तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला ब्रह्मिष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग आज कथा सुनेंगे श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उनका कुछ उपदेश हमारे गुरुजी ये गौड़ीय गीति गुच्छ में दिए हैं।
इसलिए इसमें 16 उपदेश, 16 उपदेश में इसका जो पहला नंबर उपदेश को हम श्रवण करेंगे। वो कहते हैं कहते गुरुपाद पद्म की विश्राम व सेवा द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इनका उपदेश है गुरुपाद पद्म की जो निरंतर जमय सेवा है कहते उसको द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे भक्ति विधान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कहते जो भक्ति जगत का जो रीढ़ है वो गुरु जी की चरण में निष्ठा है, और गुरु जी की चरण में जिसको जितना प्रीति है गुरु जी की चरण में उसका उतना भक्ति जगत में उसका अग्रसर है। इसलिए श्री कहते गुरुपाद पद्म में जा रहे भक्ति निष्ठा, बोले गुरुपाद पद्म के चरण में जिसको जितने भक्ति निष्ठा रहती है कहते वो उतना ही भक्ति जगत में प्रवेश कर पाती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कहते तीन तरह के सेवक है, कहते कि उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ और एक अधम भी। इसलिए कहते चार तरह का सेवक है। कहते हैं कहते उत्तम सेवक कौन है, कहते उत्तम सेवक उसे कहते हैं गुरुदेव बोलने से पहले जो सेवा को कर ले, बाद नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्त जो सेवा करे, गुरुदेव कहते थे। तो गुरुदेव एक उदाहरण देते थे जैसे आपका पतिदेव बाहर जा रहे हैं, ठंडी का समय है, हैं ठंडी का समय है, अपने अपना पतिदेव को बोले देखो बाहर ठंडा पड़ रहे हैं, आप काम में जा रहे हो साथ में एक साल साथ में ले जाओ, और आप दूर में जा रहे हो टिफिन में मैं कुछ प्रसाद दे देता हूँ उसको भी आप ले करके जाओ। लेकिन पति कहते हैं नहीं नहीं अभी जाऊँगा, अभी चले आऊँगा, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन पति मना करने पर भी लेकिन पत्नी क्या करती हैं उनको एक सुंदर साल है आटा जी में रख लेती हैं और बढ़िया रोटी सब्जी नहीं तो पराठा बना करके रख देती, देखो अगर बाई चांस किसी कारण से लेट हो गया तो वहाँ कहाँ से खाना मिले, इसको साथ में रख लो। वो मना करने पर भी पत्नी जोर जबरदस्ती उसको दे करके भेज रही है। अब बताओ पति खुश होगा ना नाराज होगा, बताओ खुश होगा ना नाराज होगा, खुश होगा ना, लेकिन वो तो मना कर रहा है, वो तो मना कर रहा है हमें नहीं चाहिए, लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती दे रही है, खुश होगी ना नाराज होगा, अरे बोलो खुश होगा। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे कहते उसी तरह जो ऐसे सेवक हो जो इनकी भावना को जान करके और नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्ती जो नहीं ये आपके लिए सही है, हैं ये आपके लिए सही, किंतु कभी कभी क्या होता है जो वैष्णव होते हैं ना जो सदगुरु जो होते हैं वो ये नहीं चाहते हमारी कोई सेवा करे, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम किससे सेवा ग्रहण करना नहीं चाहता है, क्योंकि अब जिससे सेवा लोगे ना उसके चरण में आपको ऋणी रहना पड़ता है, कुछ विनिमय में देना पड़ता है। एक व्यक्ति जो सेवा करता है वो वैसे सेवा नहीं करता है, उसका अंदर भावना अगर हम सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, ऐसे कोई नहीं सेवा करता है, उसका अंदर में कुछ ना कुछ हो, जिसका सेवा अब ग्रहण करोगे उसको कुछ ना कुछ देना तुम्हें पड़ेगा, हैं वो कुछ लाभ से करता है वैसे नहीं करता है कोई। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो चाहते नहीं हमारी कोई सेवा करे, हमारे एक भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज थे वो सहज में सबका सेवा ग्रहण करना नहीं चाहते, वो जानते हैं जिसका लेंगे उसको कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं करना है, वो सबके सब सेवा अपनी आप करना चाहते। इसलिए उनका जो गुरु पूजा हुई है वो पहले गुरु पूजा के लिए एकदम बैठते नहीं थे, हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज भी जिस दिन उनकी व्यास पूजा होगा ना एक दिन दो दिन पहले वो कहीं चले जाएंगे पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज भी ऐसे थे, एकदम स्ट्रिक्ट नियम था उनको, कहाँ चले जाते पता नहीं चलता, क्यों उनको जानते हैं जिनकी पूजा हम ग्रहण करेंगे उसको कुछ ना कुछ देना हमें पड़ेगा। इसलिए शुद्ध जो वैष्णव है वो किसी से भी सेवा लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए लेना नहीं चाहते। लेकिन उत्तम सेवक कौन है, लेकिन नहीं चाहने पर भी जो जोर जबरदस्ती उनकी भावना को समझ करके करते हैं, गुरुदेव कहते थे उत्तम है। कहते मध्यम सेवक कौन है,
कहते मध्यम सेवक उसे कहते हैं बोलने से पहले जो कि भावना को समझ करके कर ले। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक समय श्री माता कैकेयी ने भगवान राम के पास में आए, बोले राम एक काम कर दोगे? बोले बताओ माँ क्या चाहती हो? बोले एक बार भरत को बोल दो मेरे को एक बार माँ बोल दे। क्योंकि जब से भगवान राम, पता चला भरत को, राम को कैकेयी ने वनवास में दे दिया, भरत बड़े नाराज हो गए। बोले अगर प्रभु राम नाराज नहीं होते ना तेरे सर कत्ल कर देता मैं आज का दिन से कभी भी मैं तेरे को मां नहीं बोलूंगा। इसलिए हर समय कहते थे महाराज महारानी कैकेयी, कभी उन्होंने मां नहीं बोली। लेकिन माताओं के मन में एक तरस रहती है, मेरा बेटा कब मेरे को मां बोले। जो मां शब्द है ना, बड़ा प्यारा शब्द है, हैं? कृष्ण का मुंह से जब सबसे पहला शब्द निकला मां, माँ बोलने से क्या था, मुंह खुल जाती है, मतलब मैया जरूर कुछ खाने देगी, हैं? माँ बोलने पर मुंह खुल जाती है ना, माँ बोल मतलब मैया कुछ खाने देगी, इसलिए ये माँ शब्द है, हैं? इसलिए माँ शब्द बड़ा प्यारा, हर माताओं को मन में भावना है बेटा मेरे को माँ बोले, हैं? इसलिए भले एक बार बोल दो, भरत जी को एक बार बोल दो मेरे को माँ बोल दे, एक बार केवल मैं माँ शब्द सुन करके ना कि सही जी को मैं छोड़ दूँ, हैं? इतने में भगवान राम भरत जी को बुला, बोले भरत मेरे एक आदेश को पालन करोगे? देखो भरत क्या कहता है, बोले प्रभु जिंदगी में आपने कभी भी मेरे कोई आदेश नहीं दिया, क्यों आप आदेश देने पहले आपकी मन की भावना को समझते हुए मैं सारे काम को कर लेता था, कभी भी आप मेरे को भी आदेश नहीं दे। चलिए जीवन में पहला बार आप कह रहे हो भरत मेरे एक आदेश को पालन करोगे? बोले प्रभु आपका सारे आदेश को मैं पालन तो करूँगा लेकिन एक आदेश पालन नहीं कर सकता। बोले कौन सा आदेश? बोले महारानी कैकेयी को कभी मैं माँ नहीं बोल सकता। देखो यहाँ पर राम का आदेश है क्या, कैकेयी को माँ बोलो, लेकिन भरत क्या कहता है, आपका सारे आदेश को मैं तो पालन कर सकता हूँ लेकिन कैकेयी को मैं कभी माँ बोल नहीं सकता हूँ। यहाँ ऊपर से क्या लगता है, मानो प्रभु का विरोध है, प्रभु तो कह रहे हैं ना माँ बोलो, लेकिन भरत क्या कहता है माँ नहीं बोलूंगा। तो इसमें प्रभु राम खुश होनी चाहिए क्या दुख होनी चाहिए, बोलो? भगवान राम को कुछ खुश होनी चाहिए ना दुख होनी चाहिए, भगवान जहाँ कह रहे हैं माँ बोलना बोलो, लेकिन बोलने से भरत कह देता है मैं ये आदेश को पालन नहीं कर सकता, भगवान इसमें खुश होते हैं, क्यों, कारण क्या, क्योंकि कैकेयी ने भगवान कैकेयी की वजह से भगवान को 14 साल वनवास जाना पड़ा, उनको वनवास बिताना पड़ा, इसलिए प्रभु दुखी हुए, प्रभु की दुख हुए, इसलिए भरत ने प्रतिज्ञा की मेरे प्रभु को वनवास में माँ सीता जिनकी चरण फूल से भी कोमल, जिनकी चरण है और फूल से कोमल जो मेरे प्रभु, उनको 14 साल तक वन में भटकना पड़ा मेरी माँ की वजह से, माँ कितना प्यारी होती है। बोले नहीं, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, भले परम स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो लेकिन जिनके प्रिय ना राम वैदेही, जिनका प्रिय राम सीता नहीं, तजिय कोटि बैरी सम, उनको करोड़ शत्रु मान कर उनको त्याग दे देनी चाहिए, हैं? इसलिए गुरुदेव कहते ये पहला नंबर सेवक। दूसरा नंबर सेवक हो गया कौन, जो इच्छा जान करके बोलने से पहले जो सेवा कर ले। बोले तीसरा सेवक कौन है, कहते आदेश देने पर जो नतमस्तक हो करके गुरु जी के आदेश को जो पालन कर ले, कहते ये कनिष्ठ सेवक है। तो गुरुदेव कहते अधम सेवक कौन है, बोले आदेश देने पर भी, हैं? गुरुदेव उदाहरण देते थे, बोले देखो अमुक स्थान में जाओ उनको बुला करके आना तो, और उनको बोल देना वो आए कोई आदेश दे, बोले गुरु जी वहाँ जाएंगे अगर वो नहीं मिले तो फिर क्या होगा। गुरुदेव अगर नहीं मिले तो, गुरुदेव कह रहे भैया जा करके पूछ करके आओ, बोले गुरु वहाँ नहीं मिले तो पहले ही से पता चले गया। और एक उदाहरण देते थे, बोले गुरुदेव बोले देखो तो लगता है बाहर बारिश हो रही है, देख करके आओ तो बारिश हो रही कि नहीं, बोले गुरुदेव बारिश ही हो रही, बोले तेरे कैसे पता चला, बोले एक बिल्ली आई ना वो भीगा हुआ दिखा।
एक बिल्ली आ गया था, वो भीगा हुआ देखा ना, इससे पता चला बारिश हो रही है। इसलिए उसने मतलब उसके बताया एक भ्रमर मतलब भौरा देखो जैसे गुन 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 करता है, हैं। इसलिए गुरुदेव जब कोई आदेश देते हैं वो हजार जो बहाना बनाते हैं, बोले गुरुदेव अगर नहीं नहीं मिला तो, अगर ऐसे से ऐसे हो गया तो, नहीं तो ऐसे कोई कारण बन गया तो, हैं। इसलिए इसको गुरुदेव कहते ये कहते अगर जो आदेश को पालन नहीं करे, बोले से ब क गुरुदेव कहते थे, बोले से को हटा दो क्या रह जाएगा, बक बक मतलब बगुला, हाँ वो बगुला से हो गए। इसलिए यहाँ पर हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि तो गुरुपाद पद्म की विश्रम सेवा द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। भले भगवत भक्ति कैसे प्राप्ति होगी, भले गुरु जी को जब ऐसे निरंतर जमाई उनकी भावना को समझते हुए जब हम सेवा करेंगे तब भगवत भक्ति मिलेगी। जैसे हमारे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज हैं, बामन गोस्वामी महाराज एक समय हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सब शिष्य लोग बैठे हुए थे, तब उन सबको उन्होंने एक प्रश्न किया। उनका प्रश्न था भगवत भक्ति प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, भक्ति का क्या डेफिनेशन है, हैं। इतने में तब उन्होंने सबको उन्होंने खड़े किया, सभी लोगों ने बड़े बड़े भक्ति की डेफिनेशन बताए, बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति वह है सारे अभिलाष इतर अभिलाष को छोड़ करके जो काम करने पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, हैं, ऐसे जो हर समय उनकी ज्ञान कर्म को द्वारा ढकी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे जो निरंतर जो मई भक्ति उसको भक्ति कहते हैं। बोले सा परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान में श्रेष्ठ जो अनुरक्त जो प्रेम, ये भक्ति का डेफिनेशन। अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम संगता, अनन्य रूप में भगवान के प्रति ममता, यही जिसको उद्धव नारद आदि ने किया, सब भक्ति की बड़ी बड़ी डेफिनेशन बताए। लेकिन भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज का जब बारी आई, बोले तुम बताओ भक्ति का डेफिनेशन क्या है। बोले गुरुदेव मेरे को तो भक्ति भक्ति कुछ आता ही नहीं, मेरे जानता नहीं भक्ति किसको कहते हैं, हैं। मैं इतना जानता हूँ अगर हमारी क्रिया से अगर गुरुपाद पद्म अगर प्रसन्न हो गए फिर तो हम समझेगा हमारी भक्ति हो गई, क्योंकि हम तो ठाकुर को देख नहीं रहे ना, हम तो ठाकुर को देखे नहीं, हाँ जानते नहीं ठाकुर जी को, इसलिए हम तो सामने गुरु वैष्णव को जानते हैं। अगर हमारी क्रिया से अगर गुरु वैष्णव खुश हो गए फिर समझ जाएंगे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हमारी भक्ति हो गई। अगर हमारी क्रिया से गुरु वैष्णव ही खुश नहीं है फिर तो भक्ति ठाकुर तक कैसे पहुँच रही, ठाकुर तक भक्ति पहुँच नहीं सकती है। इसलिए गुरु वैष्णव का प्रति ही यही वैष्णव, इसलिए वो कहते थे कहते मैं तो कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं राम को नहीं जानता हूँ, मैं महाप्रभु को नहीं जानता हूँ, मैं सड़ग स्वामी को भी देखा नहीं, लेकिन हम किसको देखा सामने, गुरु और वैष्णव का हमने देखा सामने, हैं। ये लोग बोल रहे भगवान है इसलिए हम मान रहे भगवान है, क्योंकि हम तो देखा नहीं उनको तो हम कैसे मानेंगे, सामने कौन है, गुरु और वैष्णव सामने हैं, इसलिए इनको हम जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर ऐसे जो विश्रम रूप में निरंतर जमय रूप में उनकी प्रीति है, उनकी प्रीति वांछा से जो प्रसन्न कर देते हैं गुरु वैष्णव को, कहते इसको द्वारा ही भगवत भक्ति, इनकी कृपा से ही भगवत भक्ति हमें प्राप्त होती है। नहीं तो अपना मनमानी ढंग से जैसे चाहोगे वैसे हम करते रहेंगे, हैं। गुरु जी अगर बोले तो गुरु जी का आदेश ही पालो तो भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए ये बात क्यों कह रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन में प्रत्येक रूप में इनके जीवन में पालन किया है। बोले कब पालन किया है, बोले जिस समय नवद्वीप परिक्रमा हो रही थी, जैसे हम लोग जाते हैं ना नवद्वीप परिक्रमा, कौन कौन गए परिक्रमा नवद्वीप, सब गए। जैसे नवद्वीप परिक्रमा जो प्रभुपाद चलते थे ना, हाथी के ऊपर बैठ करके और कीर्तन करते हुए हजार हजार लोग, जैसे अभी हमारे परिक्रमा चलती हैं, सब परिक्रमा गए। लेकिन वहाँ के जो स्मार्त गोसाई जात गोस्वामी लोग हैं, जितने आउल बाउल नेड़े नेड़ी जितना सबके सब अपर संप्रदाय का लोग, उनने देखा ये प्रभुपाद तो हमारे पेट पर लात मार रहा है, क्योंकि
प्रभुपाद ने जब शुद्ध भक्ति धारा को उन्होंने लाए, इनकी शुद्ध भक्ति धारा को लोग सुन करके धीरे 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 प्रभुपाद के चरण में सबके सब आने लग गए, प्रभुपाद को फॉलो करने लग गए सबके सब। प्रभुपाद चारों तरफ में जय जयकार होने लग गई, सारा दुनिया में टहलका मच गया। प्रभुपाद जी समय प्रचार किया, घर घर में अपना भक्तों को भेज करके, हाँ गौड़ी गौड़ी भेज करके, अपना सन्यासी ब्रह्मचारी को सर्वत्र भेज करके महाप्रभुगा वाणियों को प्रचार कर रहे थे। और ऐसे प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे ना, सामने उनका कोई टिक नहीं पा रहे थे। और धीरे 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 जो ब्राह्मण लोगों को स्मार्त जो सहजिया और जो स्मार्त लोग जात गोस्वामी इनको छोड़ करके सब सबके सब धीरे 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 सब प्रभुपाद के पास में सबके सब आने लग गए। जब आने लग गए बोले हे भगवान, लगता है प्रभुपाद तो हमारे नाम निशाना मिटा देंगे, हैं प्रभुपाद तो नाम निशाना मिटा देंगे। प्रभुपाद एग्जीबिशन कराते थे, बोले क्या एग्जीबिशन, बोले आज गुरु जी घर में आए, मतलब बंगाल में जो होता था, आज गुरु जी आए, गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। बोले कैसे, बोले मछली खिलाएंगे। अरे कैसे मछली, सबसे बढ़िया वहाँ की मछली इलिस है, इलिस मछली सबसे बेस्ट मछली है। प्रभुपाद एग्जीबिशन दिखाया कैसे, गुरु घर में आए, चेला गुरु जी को भेंट कर रहा है, बोले क्या मछली। प्रभुपाद से एग्जीबिशन दिखाया, मतलब कितने अपसंप्रदाय जगत में प्रचार प्रसार हो रहे हैं, कितने गंदी बात जो कि दुनिया में चल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद से ध्वजा उड़ा दिए प्रभुपाद ने सब, ऐसे उन्होंने प्रभुपाद ने प्रचार किया। इसलिए इनके प्रचार में उनके ये होकर के एक व्यक्ति आए, बोले प्रभुपाद केवल आप दो व्यक्ति दो चीज को छूट दे दो तो जगत में जितने संप्रदाय ना वो सबके सब संप्रदाय आकर के आपका संप्रदाय से मिल जाएंगे, केवल दो चीज को छूट दे दो। बोले कौन दो चीज, बोले कि चाय और एक सिगरेट बीड़ी है, ये दो चीज को बोले भैया बीड़ी सिगरेट खाओ चाय पियो, क्या होगा सारे दूसरे संप्रदाय का लोग आपका संप्रदाय में मिल जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोले, हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, हजार तारों का हमें जरूरत नहीं, एक चंद्रमा हमें चाहिए हैं, एक चंद्रमा। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे प्रचार मायावादी को ध्वजा उड़ा दिए। जितने सहजिया जितने स्मार्त गोसाई जितने अवतारवाद, अवतारवाद जानते हो, वहाँ पर बोले राम कृष्ण भगवान हैं, अनुकुल बाबा भगवान हैं, और वहाँ पर विजय भूषण, ऐसे ऐसे मतलब बंगाल में ना सोच नहीं सकते, जैसे खेत में बीज बोते हैं ना ऐसे अवतार सब निकलते हैं वहाँ पर। और प्रभुपाद ना सबको सब खंड खंड विखंडित कर रहे थे, सबके सब डरे हुए प्रभुपाद से, बोले ये प्रभुपाद जान से मार देंगे हैं, ऐसे ऐसे हमारे तो सारे हैं हमारे पेट में लात मार रहा है। इसलिए कोशिश किया कि बोले प्रभुपाद जब यहाँ प्रचार के लिए आएंगे पहले से ईंट पत्थर सोडा बोतल सब लेकर रखे, एक खत्म कर देंगे। जब माए गए काम प्रॉब्लम आया हैं, जब प्रभुपाद गए चारों तरफ में आक्रमण होने लग गया हैं, जब आक्रमण होने लग गया ईंट पत्थर फिर सोडा की बोतल मार रहे थे, इतने में हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज विनोद बिहारी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभुपाद एकदम फटाफट प्रभुपाद हाथी से उतारे और पास में एक सज्जन व्यक्ति को घर में ले गए, लेकर के बोले प्रभुपाद आपका ड्रेस मुझे दे दो, अरे मेरा ड्रेस आप ले लो, ऐसे से बोल सकता है कभी। उस समय उनका ड्रेस कैसे, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा, और गुरुदेव का ड्रेस कैसे है, सन्यासी। कोई बोल किसका हिम्मत होगा, एक सफ़ेद कपड़ा का ब्रह्मचारी बोलेगा गुरुदेव आप मेरे को अपना सन्यासी दे दो, ड्रेस दे दो, आप इस सफ़ेद कपड़ा पहना अपनी, कोई बोल सकता है, हिम्मत नहीं होगा। लेकिन हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने क्या किया, इन्होंने ये काम किया है, ये काम उन्होंने किया, सफ़ेद कपड़ा दे दिया प्रभुपाद को और अपना सन्यास वेश उन्होंने खुद ले लिया, और प्रभुपाद वहाँ से उन्होंने दूसरे स्थान पर प्रभुपाद को अंदर अंदर भेज दिए। इसलिए हमारे भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, मानो उसी समय में ही हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने सन्यास दे दिया था, बस तुमको अभी सन्यास दे दिया, जगत में अभी प्रचार और प्रसार करो। इसलिए जिस समय पत्रिका बंद हो रहा था प्रभुपाद के बाद में प्रचार बंद हुआ रहा था, नवद्वीप परिक्रमा धीरे धीरे बंद हो रही थी, प्रभुपाद दो तीन बार स्वप्न में दिया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को, दो तीन बार स्वप्न दिया, बोले क्या कर रहे हो सन्यास जल्दी जल्दी लो, मेरे ग्रंथ प्रकाश बंद हो रहा है, प्रचार बंद हो रहा है और परिक्रमा बंद हो रही, तू कर रहे हो क्या। दो तीन बार उन्होंने स्वप्न दिया, कहते इनको तो प्रभुपाद पहले सन्यासी दे चुके थे, प्रभुपाद सन्यासी दे चुके थे, और सचमुच उन्होंने सन्यास लिया।
फिर सारे मंदिर को स्थापन किया, फिर उन्होंने प्रेस को स्थापन किया, ग्रंथ प्रिंटिंग करके सारा दुनिया में पत्रिका ग्रंथों को उन्होंने वितरण किया, फिर गांव-गांव में उन्होंने जाकर के फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया, जिसमें हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज, दिव्यग्रह गोस्वामी महाराज, इनको साथ में जा गांव में गए। इतना जो लोग वहाँ दिख रहा है वो ऐसे नहीं आए, वो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने गांव-गांव में जाकर प्रचार किया। उसको बाद में फिर हमारे तीनों महाराज ने गांव-गांव में गए हैं, उसको बाद में हमारे तीर्थ महाराज, उसको बाद में फिर उन्होंने तीर्थ महाराज गांव-गांव में गए, तीर्थ महाराज जा करके उन्होंने गांव-गांव में अभी प्रचार करते हैं, माधवार जी उस तरफ में गए हैं, इसलिए गांव-गांव में जाकर प्रचार किया, फिर इतने लोग आए हैं। नवद्वीप परिक्रमा में गए हो? कौन कौन गए, कितने लोग होते हैं परिक्रमा में, कितने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं ना, इतने लोग होते हैं, इसलिए जब लोग जब चलते हैं ना, लगता है लोगों का बाढ़ आ गया, ऐसे लगता है ना लोगों का, जैसे पता नहीं इतना लोग कहाँ से। पिछली बार हमारे बड़ौते से कुछ भक्त लोग गए थे, वो परिक्रमा देख करके ना बोले ही उनको, उन लोग को बोल रहे थे, लगता है सारा पृथ्वी का लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे लगता है जब परिक्रमा मंदिर से निकलती है ना, एक घंटा तक खत्म नहीं होते, दो घंटा तक परिक्रमा पहुंचेंगे अपना स्थान में, मंदिर में तक अभी भी लोग निकल रहे हैं। अगर वहां पर तो ऐसे हर गौरी मठ से इस्कॉन से भी प्रचार अलग अलग है, लेकिन जब दो परिक्रमा कहीं एक हो जाते हैं ना, एक बार मैंने इतने बुरी तरह से फंस गया था, मैं तो सोच रहा मेरा प्राण चल जाएगा, मैं इतने जो दो परिक्रमा, इस्कॉन का परिक्रमा या ठीक मायापुर मंदिर के सामने वहां, और इधर हमारी परिक्रमा, दोनों परिक्रमा के टकराव हो गया है, हो गया तो मैं ऐसे फंस गया साइकिल के बीच में, मैं प्राण बल्ले करके वहां से निकला किसी तरह से, हाँ किसी तरह। और पिछली साल जब गंगा पार होते हैं ना, हे भगवान, मैं ऐसे बुरी तरह से, मैं श्रीकांत हम ऐसे फंस गए थे ना, हमारा तो सारे कपड़ा फपड़ा फट गया, सारे कपड़ा फपड़ा फट गया, मतलब इतने लोग होते हैं, लेकिन परिक्रमा किसने प्रारंभ किया, सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर प्रारंभ किया, उसके बाद में श्री भक्ति विनोद नित्यानंद प्रभु ने नरोत्तम श्यामानंद प्रभु को फिर उन्होंने दिखाया, फिर जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने दिखाया, फिर वही परिक्रमा बढ़ते बढ़ते श्री भक्ति विनोद ठाकुर तक आए, फिर प्रभुपाद ने सबसे जो ज़्यादा परिक्रमा निकाले फिर प्रभुपाद हैं, लेकिन प्रभुपाद के बाद में अगर सबसे ज़्यादा लोग किसी परिक्रमा हुए ना, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परिक्रमा में, और अगर सबसे ज़्यादा अगर किसकी परिक्रमा में लोग हुए तो हमारे श्री भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की परिक्रमा में। बोले श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। हर जोर से बोलो श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्तिवेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्तिवेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए गुरु जी के उस समय में प्रभुपाद माने उनको संन्यास दे दिया, और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का संन्यास ले लिया ना। संन्यास लेना मतलब क्या है, मतलब ये है प्रभुपाद ढूंढ रहे मारने के लिए, इनको मार डालेंगे, मतलब इन्होंने प्राण को अपना हथेली पर ले लिया, किसके लिए, बोले गुरु सेवा के लिए, प्रभुपाद की सेवा के लिए उन्होंने प्राण को अपना हथेली पर ले करके, उन्होंने प्राण को दे करके अपना गुरु सेवा किया है, हाँ प्राण दे करके उन्होंने गुरु सेवा किया। इसलिए कहते हैं जो जितने निष्कपट रूप में गुरु सेवा किया है ना, जितने निष्कपट रूप में जो गुरु सेवा किया है, जगत में उसका उतना ही जय जयकार है, उतना ही जय जयकार। बोले एक समय, अब देखो हमारे भक्त नारायण महाराज जानते हो कि नहीं जानते हो, अब देखे होंगे वो जब चलते थे उनको आगे पीछे कितना लोग चलते थे, जब चलते थे आगे पीछे लोग चलते थे। एक समय नवद्वीप परिक्रमा हो रही थी, हम देवानंद गौड़ी मठ में थे, तब वहाँ पर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हैं, वो जाते थे, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनकी श्रेष्ठ गुरु भाई, उनको मिलने के लिए जाते थे, और उस समय सब विदेश लोग भी आ रहे, देश विदेश लोग आ रहे थे, हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मिलने के लिए गए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के साथ में,
जब मिलने के लिए गए तो महाराज के साथ में तो 100 भक्त पूरा पूरा उनको पीछे पीछे जब चलते थे मधुमक्खी जैसे पीछे फूल के ऊपर मंडराते हैं ना हमारे महाराज के आसपास में सारे मधुमक्खी जैसे सबके सब आगे पीछे चलते थे। जब महाराज जी गए उनको साथ में गए और त्रिविक्रम महाराज से महाराज ने बात किया परिक्रमा कैसे होगा नहीं होगा बात किया कैसे आप ठीक ठाक है कि नहीं और सबके सब वहाँ पर गए। लेकिन जब गुरुदेव वहाँ से चले गए ना सबके सबके भक्त महाराज के साथ में चले गए और त्रिविक्रम महाराज के पास कोई नहीं है अकेले बैठे हुए हैं। इतने में त्रिविक्रम महाराज कह रहे हैं बोले जानते हो क्यों ये नारायण गोस्वामी महाराज के पीछे आगे पीछे इतने लोग चलते हैं? कहते हैं उनकी गुरु निष्ठा की वजह से, इनकी गुरु निष्ठा की वजह से, गुरु की चरण में इनकी जो निष्ठा थी, गुरु चरण में गुरु सेवा के लिए इनका जो बलिदान था, गुरु सेवा के लिए इनकी जो आत्मसमर्पण था, बोले गुरु जी के इस आदेश को उन्होंने अपने ये भी आदेश को उन्होंने हथेली पर लेकर के सेवा किया है। जैसे एक अनंग मोहन ब्रह्मचारी था जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का शिष्य थे जिनका नाम था अनंग मोहन ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को बाबा बोलता था, वो बाबा बोलता था, उनको सेवा करता था, बाबा बाबा बोलता था और सचमुच से इतने सेवा करता था उनकी और सचमुच से भक्ति प्रज्ञान केशव उसको अपना बेटा मानते थे, ये मेरे बेटा है और वो बोलता था उनको बाबा 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 बोलता था। हैं बाबा शब्द भी बड़ा प्यारा शब्द है इसलिए और उनको बेटे रूप में और सचमुच से पिताजी की सेवा जैसे करते थे। किसी कारण से इनके हो गया टीबी, पहले टीबी हो जाए ना इसका कोई इलाज वलाज नहीं था, टीबी हो जाने तक बचना बड़ा कठिन होता था और जिसको टीबी का बीमारी हो गई वो था छूत का बीमारी, जिसको छू लिया ना उसको भी वो बीमारी हो जाती थी। लेकिन हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को उन्होंने ऊपर ऊपर दायित्व दिया इसको तुम देखने के लिए। गुरुदेव कहते थे मैं उनकी साक्षात उन्हें सेवा की, उनकी सारे सेवा उन्होंने, कोई डर हमारे पास में नहीं जाते थे लेकिन नारायण गोस्वामी महाराज उनके गुरु जी के आदेश की पालन करने के लिए सेवा की, इतने सेवा की इतने सेवा की उनकी प्राण को हथेली पर लेकर के और लास्ट में जब उन्होंने शरीर ही छोड़ा है ना कहते मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके उन्होंने शरीर छोड़े और ये बोल रहे थे बोले मेरे को राधा कृष्ण लेने के लिए आए मैं जा रहा हूँ, राधा कृष्ण मेरे को लेने के लिए आए मैं जा रहा हूँ। तब हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे बोले आप तो ठाकुर जी के पास में जा रहे हो मेरे लिए भी एक स्थान रखना वहाँ पर, हैं मेरे लिए भी वहाँ पर एक स्थान रखना मैं जब आऊँगा। इसलिए बोलते थे मतलब उन्होंने गुरु जी की ऐसे सेवा की लास्ट में जब शरीर ही छोड़ रहे थे उनको साक्षात रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, ठाकुर को दर्शन करते हुए उन्होंने ये जगत को छोड़े। इसलिए यहाँ पर इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं जो जितने गुरु जी की विश्रम्भ रूप में हैं निरंतर जमय रूप में अंतरंग रूप में जो जितने गुरु जी की सेवा की ना उनके हृदय में उतना ही तत्व ज्ञान की स्फूर्ति, जगत में उसका उतना ही प्रतिष्ठा, जगत में उतना ही प्रचार प्रसार सब कुछ उसको उतना परिमाण में हुआ जो जितने परिमाण में गुरु जी के निष्कपट रूप में उन्होंने गुरु जी को उन्होंने सेवा की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरुपाद पद्म विश्रम सेवा द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्ति होती है, हैं इसलिए श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हैं जीव गोस्वामी उदाहरण क्या उदाहरण देते हैं बोले एक समय भगवान ने सारे शास्त्र को बुलाया, जितने वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत सबको बुलाया, सबको बुला करके भगवान ने सबसे एक प्रश्न किया, सबके उन्होंने ये प्रश्न किए हैं, सबसे उन्होंने ये एक प्रश्न किए बताओ ये भगवत भक्ति प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, वह भगवत भक्ति जल्दी से जल्दी कैसे मिलेगी, वह भक्ति का डेफिनेशन किया है, बुलाए भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या तुम लोग बताओ। भगवान ने सब पुराण को उन्होंने आदेश दिया, जब आदेश दिया उन्होंने पहले वेद को उन्होंने खड़े किए बोले बताओ वेद क्या बोलते हो, तब उन्होंने बोले तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंत सुरय, कहते तो भगवान की जो चरण कमल को बड़े बड़े ऋषि लोग अपना हृदय में दर्शन करते ही उनने बड़ी बड़ी वेद का ऋचाओं को उन्होंने उदाहरण दिख रहे बोले हैं, जो वेद ने बहुत कुछ लेक्चर दिया, भगवान बोले ठीक है तुमने बहुत अच्छी बात बताया बढ़िया। फिर उनने ब्रह्मसूत्र उपनिषदों को फिर खड़े किए बोले उपनिषद तुम बताओ, उपनिषद भी खड़े होकर वो भी बड़े बड़े सूत्रों को उन्होंने भी बोले हैं,
जहाँ पर अनुरक्ति ईश्वर्य अनन्य ममता भक्ति, उनने बड़े उन्होंने बड़े 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 शास्त्र के उदाहरण दिए, लेकिन भगवान सुन करके बोले तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बता, बढ़िया। बोले हम इतना बढ़िया बढ़िया बात, बोले ठाकुर कुछ नहीं है। फिर उनने ब्रह्मसूत्र को खड़े किए, ब्रह्मसूत्र खड़े होकर के बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अगर वो ब्रह्म वस्तु को पाना चाहते बोले अथ अतः अथ अनंतर, अनंतर मतलब जीव का आनंद ढूंढता है, लेकिन आनंद कहाँ ढूंढता है, ये माया के संसार में आनंद ढूंढता है, इसलिए उसको आनंद नहीं मिलता है। बोले आनंद मिलेगा कहाँ, बोले जब तक जीव भगवान को तक पहुँचे नहीं पहुँचे तब तक आनंद मिल नहीं सकता है। इसलिए जन्मा दस्य जतः, जिन भगवान से इस जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात है, इसके लिए क्या करो, शब्दों को बारंबार आवृत्ति करो, आवृत्ति करो मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम जप करो। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, भगवान ने कहा तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, बोले बैठ जा। और दुखी होकर बैठ गए, बोले भगवान खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने फिर सारे पुराण को उन्होंने खड़े किए, पुराण भी वर्णाश्रम आचार्य बता पुरुष अनुपरमान विष्णु आराध पंथ नान्य तत्व सतारण, जितने पुराण लोग भी बोले वर्ण और आश्रम को पालन करो, इसको द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगा, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, लेकिन भगवान सबको बैठा देते। फिर महाभारत में गीता को खड़े के बोले तुम बताओ, तो गीता भी खड़े होकर के बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि माम शुचौ, इसलिए सारे धर्म को छोड़ करके एक अनिष्ट होकर के मेरे चरण में आ जाओ हैं, इसलिए मन मन मना भव मद भक्त माम जाजी माम नमस्कुर, सब कुछ जो कुछ करना मेरे लिए किया करो। गीता भी बड़ी बड़ी बात बताई, भगवान सुन करके बोले बोले तुम भी अच्छी, बोले बोले बैठ जाओ, सब दुखी हो गए, बोले ठाकुर कुछ नहीं, लेकिन अभी एक ही ग्रंथ रह गया जो भागवत है, हैं भागवत रह गया। फिर भगवान भागवत को खड़े के बोले भागवत बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर भागवत खड़े होकर के केवल उन्होंने दो श्लोकों को बोले, जो दो श्लोक को सुनकर भगवान बोले दो श्लोक क्या है, बोले पहला नंबर है श्री भरत महाराज हैं जड़ भरत रघुगण महाराज को जो बात बताए, क्या बताए, रघुगणी न तपस्या न जाति न इच्छया न निर्वाप न गृहत बाप नैव छंदास नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषतम, ये श्लोकों को बोले। बोले रघुगण ही न तपस्या, रघुगण को कह रहे हैं तपस्या को द्वारा भगवान नहीं मिलते, कोई उच्च कुल में जन्म ले लिया भगवान मिल जाएंगे, बोले नहीं मिलेंगे हैं, बोले दिन रात हम पूजा पाठ करते मिल जाएंगे, बोले नहीं मिलेंगे हैं, कहते हमने वेद दिन भर वेद पाठ करता हूँ मिलेंगे, बोले नहीं मिलेंगे, बोले दिन भर अग्नि और वायु को पूजा करता हूँ मिलेंगे, बोले नहीं मिलेंगे, बोले सब तो नहीं नहीं फिर है कैसे हैं, बोले सब तो में तो नहीं नहीं बोल दिया फिर मिलेंगे कैसे, बोले मिलेंगे, बोले बिना महत पदो रजोभिषेकम, बोले जब तक तो किसी महान साधु की चरण में आप शरणागत नहीं होते हो हैं, जब तक तो किसी शुद्ध साधु की चरण में आप आश्रय ग्रहण नहीं करते हो, भले ही तुम जो जितना कुछ कर लो होने वाले नहीं, इसलिए बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं, बोले कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नायक है, बोले जब तक तो कोई महान साधु का कृपा नहीं होना है कोनो कर्म भक्ति नहीं, नहीं किसी तरह से तुम्हें भक्ति मिलने वाले नहीं, बोले भक्ति तो बड़े दूर की बात, मार संसार ही नष्ट नहीं होगा। फिर उन्हें दूसरा श्लोक बोले कौन सा है, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, बोले नैशांग मतिस्तावक उरु क्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगमम जदर्थ मई असाम निष्किंचना नाम न भृणित जावत। जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा बताओ प्रहलाद मैं तेरे को जो कुछ बात प्रश्न करता हूँ तू भगवान की भक्ति 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 ये सब भक्ति भक्ति करते रहते हो, क्या इस संडा अमरक ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दिया, ये संडा अमरक जो गुरु जी तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दिया। तो उसी समय में प्रहलाद महाराज कहते बोले पिताजी
ये क्या बुद्धि बिगाड़ेगी, इनका बुद्धि खुद ठीक नहीं, ये कहते ये क्या इन लोगों ने क्या बिगाड़ दिया, मतलब तुमको भजन में लगा दिए, बोले इनका बुद्धि क्या भगवान भजन में लगे जी मेरे बुद्धि को लगा देंगे, बोले तब तक ये मति भगवान के चरण में नहीं लग सकती है जब तक तो कोई निष्किंचन किसी साधु के चरण में हम आश्रय नहीं लेते हैं तब तक ये मति भगवान में लग ही नहीं सकती है। इसलिए मूल है साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध, मैन है साधु, मैन है साधु। जैसे यहाँ पर मंदिर बना, आप लोग भी तिलक कंठी माला सब पहने हो, किसकी कृपा से? गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से है, वैष्णव की कृपा से। इसलिए जब तक वैष्णव गुरु वैष्णव की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक जितने कुछ कर लो, कितने लोग गीता रामायण भागवत कितने लोग पढ़ते हैं लेकिन भजन कर पाते क्या? भजन नहीं कर पाते, गले में कंठी तिलक क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बंगाल में जाओ ना, कितने गीता भागवत सब पढ़ सब, लेकिन करते हैं क्या? मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, तिलक भी लगा ले, गले में कंठी भी पहन लेंगे लेकिन मांस मछली खाने, मांस मछली खाते हुए देखोगे उनको। इसलिए जब तक हम किसी साधु की शरण में नहीं आते हैं ना, जब किसी साधु की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो, गुरु जी की कहते जो कुछ करने पर भी ये भक्ति भक्ति कुछ मिलने वाले नहीं, जब उन्होंने ये बात को बोले ना भगवान खुश हो गए, बोले मैं यही सुनना चाह रहा था, मैं यही सुनना चाह रहा था, जब तक मेरे भक्तों की शरण में कोई नहीं जाएगा तब तक उनको भक्ति नहीं मिलेगी। बोले दूसरी की बात छोड़ दो, मैं भी भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ, भगवान कहते हैं बोले अनुब्रजामि अहम नित्यम पुए एत अंगिर रेणुवी, मैं भी भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? बोले भक्तों का चरण धूलि पाने के लिए, जब चलेंगे वैसे तो भक्त लोग चरण धूलि देंगे ही नहीं, इसलिए मैं छुप छुप करके पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों? बोले चलेंगे धूल तो उड़ेगा, उड़ेगा तो कम से कम मेरे सर पर पड़ेगा तो पुए एत, मतलब मैं पवित्र बन जाऊँगा। मतलब भक्तों का चरण धूलि में इतने शक्ति है, ठाकुर भी भक्तों का चरण धूल लेना चाहते, ठाकुर ये जो तिलक क्या है, ये तिलक क्या है? गोपी गोपी चंदन है ना, देखो भगवान गोपी तिलक लगाए, गोपी चंदन तिलक लगाए। ठाकुर जी को जब बुखार सिर दर्द का लीला की, नारद जी ब्रज में आए और जब चरण धूलि लेकर गए ठाकुर को स्नान किया, किसकी? भक्तों की चरण धूलि में स्नान किया। कुछ तो वहाँ पर चरण धूलि गोपी चंदन और कुछ बच गया, उसमें कुछ बच गया तो उसको लेकर कहाँ? नवद्वीप में फेंक दिया। जो नवद्वीप धाम नहीं, कहती ये ब्रज रज ही है, कहते जो ब्रज रज है नारद जी इसको लेकर के कृष्ण तो कुछ स्नान किया कहाँ पर? द्वारका में, वहाँ गोपी तालाब बन गया और जो बच गया था उसने लेकर के नवद्वीप धाम में फेंक दिया। वही फेंक दिया तो वो नवद्वीप धाम नहीं, ये ब्रज गोपियों की चरण धूलि, ये राधा जी की चरण धूलि, ये नवद्वीप धाम है। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताय गौर आज पहला श्लोक सुने, कल दूसरा, पहला उपदेश कल हम दूसरे उपदेश में, ठीक। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। Yeah.